नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन मिश्रा। पीके हिंदी ज्ञान बुक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैं एक वीडियो आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको राशन कार्ड के फुल डिटेल्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप राशन कार्ड की पात्रता सूची में अपना नाम देख सकते हैं या फिर कैसे आप अपना राशन कार्ड इजीली डाउनलोड या फिर प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं केवल यूपी के राशन कार्ड के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं प्रदेश वाइज फुल रिव्यू करके बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना राशन कार्ड खुद अपने स्मार्टफोन से डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो के नीचे जो अंगूठे का आइकन है इस पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये घंटे का आइकन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके इसे एनेबल कर दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हर रोज़ मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना राशन कार्ड ऑनलाइन देखना चाहते हैं या फिर अपना जो है नाम पात्रता सूची में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यूसी ब्राउजर ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पर जो है यूसी ब्राउजर ओपन कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउजर ओपन नहीं करना है क्योंकि ये साइट इस समय सही से क्रोम ब्राउजर पर ओपन नहीं होती है। तो आपको यूसी ब्राउजर पर ऊपर टाइप करना है सर्च बार में राशन कार्ड, इस तरह से आपको टाइप कर देना है और सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाली साइट यहाँ पर दिखाई देगी fcs.up.nic.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका सिंपल सा इंटरफेस इस तरह से कुछ दिखाई देगा। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है इस तरह से, और भी स्क्रॉल करना है थोड़ा, फिर आपको यहाँ पर जो है राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, इसके जो सेकंड में है NFS ये की पात्रता सूची, इस पर आपको क्लिक कर लेना है सिंपली। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है। तो चलिए मैं अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो 10 नंबर पर है बहराइच, इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर महसी पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आपको अपना ग्राम सिलेक्ट कर लेना है, ग्राम पंचायत जो है। तो मैं यहाँ पर ये जो 6 नंबर पर है बहादुरिया, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर 2 दुकानदार हैं जिनका नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है प्रहलाद और दूसरा है सुरेंद्र कुमार। तो ये जो प्रहलाद हैं ये हमारे यहाँ के दुकानदार हैं। तो मैं यहाँ पर जो है इनके नाम के राइट में आप देख सकते हैं यहाँ पर पात्र गृहस्थी और राशन कार्ड लाभार्थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 152 कार्ड हैं यहाँ पर, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर सभी कार्ड जो हैं, कार्ड की सूची जो है यहाँ पर दिखाई देगी। तो अब आप अपना इसमें नाम जो है देख ले। तो यहाँ पर जो है पहला है डिजिटल राशन कार्ड संख्या, यहाँ पर ये संख्या है और ये क्रम संख्या है इससे पहले, और फिर है धारक का नाम, और यहाँ पर है पिता पति का नाम और माता का नाम, और कुल यूनिट यहाँ पर यूनिट दिखाई गई, और फिर यहाँ पर जो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है राशन कार्ड जारी डिजिटल हस्ताक्षर करने की तिथि, यहाँ पर तिथि भी दिखाई दे रही है। तो अब आपको करना क्या है, जिस भी नाम को आपको, जैसे मान लिया यहाँ पर जो है सत्यनारायण यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसे जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो डिजिटल राशन कार्ड संख्या है इस पर इसी के लेफ्ट में आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो है कार्ड यहाँ पर दिखाई देगा, इसका फुल डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर इनकी कितनी यूनिट है, यहाँ पर जो है 3 यूनिट हैं, तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आप पीसी पर जो है इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल पी
जो है प्रेस करके इसे प्रिंट कर सकते हैं। पर आप अगर मोबाइल में इसे ओपन करते हैं तो फिर आपको करना क्या होगा, मोबाइल को आप कर लेना है, कर लेना है और फिर जो है इसे इस तरह से हल्का सेट कर लेना है, इसे ऊपर को इस तरह से ला करके यहाँ पर सेट कर देना है और फिर आपको इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लेना है इस तरह से। देखिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आप इसे अपने पीसी में जो है सेंड कर लें, इसके बाद आप वहाँ से डायरेक्टली इसे प्रिंट कर सकते हैं और आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन में इसे रख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना राशन कार्ड बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फोन से देख सकते हैं। इसके बाद मैं बैक कर लेता हूं, चलिए मैं कोई दूसरा एक यहां पर देख लेता हूं। तो यहां पर एक गीता लिखा हुआ है और प्रदीप कुमार है, तो मैं इस वाले पर यहां पर क्लिक कर देता हूं। मैंने यहां पर क्लिक किया तो देख सकते हैं इसका भी यहां पर फुल डिटेल्स यहां पर दिखाया गया है, इनकी दो यूनिट है तो यहां पर दो यूनिट दिखाई गई हैं। तो इस तरह से अब चलिए मैं इसे बैक कर लेता हूँ। अब आप यहां पर देख सकते हैं अंत्योदय राशन कार्ड लाभार्थी। तो यहां पर राशन कार्ड जो है इसके नीचे आपको ये 61 कार्ड यहां पर सभी दिखाए गए हैं, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है तो यहां पर सभी जो है सूची दिखाई देगी। तो आपको करना क्या है, यहां पर भी उसी तरह से आपको जिसका भी नाम यहां पर देखना है, चलिए मैं यहां पर इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूं जो है डिजिटल राशन कार्ड संख्या, इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं ये अंत्योदय का राशन कार्ड जो है यहां पर दिखाई देगा। आप उसी तरह से इसे भी सेव कर सकते हैं और इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, इस तरह से आप अपने मोबाइल फोन में ही अपना जो है राशन कार्ड देख सकते हैं कि हमारा राशन कार्ड अभी जारी हुआ है या फिर जारी नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी पीके हिंदी ज्ञान बुक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।